हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स। जो रेडॉक्स वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बनाए। आरईडी जो वर्ड है रिडक्शन से बना है, ओएक्स जो बना है वो ऑक्सीडेशन से बना है। तो यहां ये दो चीजों से बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। किससे? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। पहले हमें सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड, राइट इन द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सर, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी कोई चीज हाइड्रोजन ले लेगी तो उसको रिडक्शन बोला जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल के तौर पे इधर देखिए, HCHO, इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? HCHO कितने हाइड्रोजन है? अब ये बन गया CH3OH। What is this? क्या हो रही है? अब कितने हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में? तो हाइड्रोजन बढ़ गए, तो दिस इज रिडक्शन। अब इसी को उल्टा लिख देते हैं, CH3OH ये कन्वर्ट हो गया किसमें? HCHO। किसमें? अब कितने हाइड्रोजन रह गए? दो। HCHO दो है, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन कम हो गए, तो ये क्या बन गई? ऑक्सीडेशन। क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। अब दूसरा इधर होता है लॉस ऑफ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब मान लीजिए CH3COOH ये बन गया CH3CH2OH। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर तो ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो ये भी रिडक्शन। उधर क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये उल्टा हो जाएगा, CH3CH2OH, ये क्या बन गया? CH3COOH। इज व्हाट सर? तो ये हम इस प्रोडक्ट को एक बार दोबारा लिख देते हैं नीचे। ये जो बना, ये क्या बना था? CH3COOH। तो ये दो डिफरेंस हो गए किसके? रिडक्शन एंड। सर, एग्जांपल्स तो आपको समझाने के लिए दिए गए, अभी रट्टा नहीं लगाना। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, बड़ा इजी है। रिडक्शन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन गेन ऑफ, उल्टा लिख दिया उसी जगह। रिएक्शन मैंने ऐसे लिखे हैं जो रिवर्सिबल है, वैसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन में पहले कितने ऑक्सीजन थे? जीरो। अब तो, बट ये रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है।
अभी आप एग्जांपल्स में मत जाइए, सिर्फ समझने पे जाइए. व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ उधर लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, उधर क्या होगा? अब एक जॉडिक साइन होता है जो आपको याद रखना है, लियो. कभी आपने ये जॉडिक साइन सुना है? लियो. लियो. अब ये लियो जो होता है, किसी का है लियो? चलो आपको तो दिक्कत होगी नहीं सर, मेरा लियो होते हैं. जो लियो, लियो की फुल फॉर्म क्या है? जॉडिक साइन में क्या होती है ये मुझे नहीं मालूम, पर फिलहाल अभी हम लियो की फुल फॉर्म क्या यूज करेंगे. एल स्टैंड फॉर लॉस ऑफ, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, मींस ऑक्सीडेशन. क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन. एल स्टैंड फॉर लॉस, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, ओ मींस. पेपर में ना तुम्हें डाउट आना शुरू हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. पेपर में क्या डाउट आना शुरू हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लियो याद रखते हैं, एल मतलब लॉस, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ओ मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन. बोलिए यहां तक क्लियर हो गया? तो लिख दीजिए यहां पे पॉइंट क्या बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इधर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलिए लिख दीजिए, ये नोट में डाल दो लियो के ऊपर. बढ़िया, क्या ये चैप्टर किताब में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, एक खुराना सर ने क्रिएट किया है. भैया सब कुछ बुक में मिले. 90% फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग, 10% फोकस शुड बी ऑन राइटिंग. कुछ नहीं भी लिखोगे ना तब भी किताब में मिल जाएगा, पर कुछ समझा नहीं वो किताब से समझ नहीं आएगा. तो इसलिए लिखने पे ध्यान कम और समझने पे, आपका लिखने पे ज्यादा है और समझने पे कम, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है. फिर दोबारा देखो, अब बताओ इधर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज था, इधर क्या है? डिक्रीज इन पॉजिटिव. मैं सारा टाइम दूंगा आपको उतारने के लिए, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो. समझ आया? लास्ट पॉइंट है, बस 5 पॉइंट होते हैं इसके. दो पहले लिख दिए थे, 3 अब लिख रहे हैं. अब नेगेटिव चार्ज वाला, मान लो सल्फर, सल्फर ना कोई और अननोन एलिमेंट बड़ा है, ए, ए टू नेगेटिव. रिडक्शन क्या होता है? गेन के लॉस. पहली बार मैं करेक्ट बोला, गेन के लॉस. गेन लेफ्ट साइड पे के राइट साइड, एरो के लेफ्ट साइड पे के राइट साइड, इसको बोलने दो. किस साइड पे? राइट साइड. ये देख लो लेफ्ट है कि राइट है. मेरा तो लेफ्ट, तुम्हारा कौन सा? भैया गेन रिएक्टेंट में होता है, लॉस प्रोडक्ट में होता है. अब यहां पे चार्ज लिखना है, चार्ज या तो एक्स वाई से सॉल्व कर लो. अब एक्स कितना बनेगा? कितना बनेगा? -3. या कॉमन सेंस लगा लो, गया तो ये क्या बना? इंक्रीज इन, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज. तो सर समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले को स्वाद नहीं आ रहा. मतलब केएफसी वाली फीलिंग नहीं आ रही, वो कौन से चार्ट स्ट्रीट वाली फीलिंग आ रही है. चल कोई बात नहीं, कहते खाते हुए सर हम सोचते ही नहीं, बस खा लेते हैं. आइए सर, कोई
पी नेगेटिव एलिमेंट है, बी टू नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह है? अब मुझे बताइए बी पे चार्ज कितना होना चाहिए? ना समझ आए तो क्या ले लो, एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। व्हाट इज एक्स? माइनस वन। तो समझ आया? लोगों का चैप्टर खत्म हो जाता है, उन्हें एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं आती। सर ये भी देख लेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद कितनी निकालेंगे आप, बोलिए। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो ये पांच डिफरेंस हैं किसके, रिडक्शन एंड। मैंने आपको विद एग्जांपल्स कराई हैं, अब इसको नोट करिए, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन।